guys, so welcome back to my channel. This is Sherlock. I hope everyone's doing good. So guys, आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है. मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने जायरोस्कोप कैसे सीखा, सो दैट काफ़ी लोगों को हेल्प हो उससे. बिकॉज मैं खुद जायरोस्कोप पहले बिल्कुल यूज़ नहीं करती थी. व्हेन आई यूज़ टू प्ले ऑन आईफोन एक्स, तो तब मैंने जायरोस्कोप स्टार्ट कर दिया था सीखना. लाइक XR पे स्विच होते ही मैंने क्या किया, स्विच कर दिया. सेंसिटिविटी एज सच मैंने स्टार्टिंग में सेट नहीं की थी, हाई पे रखा और जायरोस्कोप स्टार्ट कर दिया. उसके बाद मैंने वही किया, ट्रेनिंग मोड में आए, बैठे, फिर मैंने सेंसिटिविटी बहुत सारी अलग अलग ट्राई की. तो फिर मैंने ट्राई की एकदम हाई सेंसी. मैंने सारी सेंसिटिविटी जो जायरो की थी उसको जितना हाई में लाइक कंट्रोल कर पा रही थी ना, उतना मैंने किया और उस पर मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया. तो ऐसे जाके बहुत टाइम बाद मेरे को फाइनली एक मेरे लिए सही सेंसिटिविटी मिली थी जिस पे मैं अभी तक खेल रही हूँ. तो गाइस, पॉइंट इस इन बातों का ये था कि आपको अपनी सेंसिटिविटी देखनी पड़ेगी कि आपके लिए क्या बेस्ट है. लाइक हाई सेंसी पे हर कोई अच्छा नहीं खेल सकता. सबका अपना एक गेम स्टाइल होता है, सबका अपना प्रेफरेंस होता है पर्सनल. तो आप लोग को अपना सेंसी देखना पड़ेगा कि आपको लो सेंसी सही लगता है कि हाई सेंसी सही लगता है. मेरे को हाई सेंसिटिविटी पे खेलना बेटर लगता है. तो चलो अब स्टार्ट करते हैं. पहले मैं बिगनर्स के लिए बता देती हूँ, अगर आपने कभी जायरो यूज़ नहीं किया है तो आई वुड प्रेफर कि आप ट्रेनिंग ग्राउंड में आके पहले तो M4 उठाओ. अगर इसका रिकॉइल कम है तो स्टार्टिंग में जायरो को थोड़ा समझने के लिए आपके लिए सही रहेगी. M4 उठा लो और उसका बहुत ही सारा आमा उठा लो. बिगनर्स के लिए वीडियो है तो बेस्ट अटैचमेंट मैं बता देती हूँ मेरे ओपिनियन से. M4 विद एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ, टैक स्टॉप, कॉम्पनसेटर एंड हाफ ग्रिप. गाइस, सबका अपना ग्रिप का भी प्रेफरेंस होता है. मैं एक बार अलग अलग ग्रिप्स उठा लेती हूँ, मैं आपको ट्राई करके दिखा दूँगी किसमें क्या डिफरेंस रहता है. बट मेरा फेवरेट तो हाफ ग्रिप है. कोई भी स्प्रे की गन यूज़ करनी है तो उस पर हाफ ग्रिप लगा दो बस. तो स्टार्टिंग में एक बार आप जायरो की आदत डाल लो. आई वुड प्रेफर कि सीधा आप ऑलवेज ऑन पे आ जाओ. बाकी अगर आपको ज़्यादा ही क्रेजी लगे, लाइक ये जो मूवमेंट्स है इतने सारे, मैंने जब जस्ट स्विच किया था मुझे तो बहुत अजीब लगा था, तो आप एक बार स्कोप ऑन भी ट्राई कर सकते हो. उससे क्या होगा, क्रॉस हेयर यूज़ कर रहे हो एकदम स्टेबल है, गन नहीं है एकदम स्टेबल है. जैसे ही आप स्कोपिंग करोगे तो जायरो आपका ऑन हो जाएगा. तो एक बार के लिए आप ये भी यूज़ कर सकते हो जस्ट टू गेट यूज टू जायरोस्कोप. बाकी मेरी एडवाइस लोगे तो ऑलवेज ऑन कर दो और बस प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो. सो गाइस, आपको यहाँ पर आके सीधा अपना ऐसे प्रैक्टिस करना है. मैं बिल्कुल लाइक थम तो यूज़ नहीं कर रही हूँ अभी, ऑल दो मेरे को आदत है, थोड़ा बहुत मैं एमिंग के लिए यूज़ करती हूँ. सो गाइस, यहाँ पर आओ और जो भी स्कोप्स है, हर एक स्कोप से आप ट्राई करो अपना स्प्रे. अभी कॉम्पनसेटर लगाया हुआ है मैंने, अटैचमेंट्स आपको बता ही दी. तो ये है 50 मीटर का होलोग्राफिक स्प्रे. मैंने बिल्कुल स्वाइप, लाइक थंब को मेरा ऐसे स्वाइप नहीं किया स्क्रीन पे, मैंने सिर्फ स्कोपिंग किया एंड ये स्प्रे. और फ़ोन को मैंने पूरा टिल्ट, जितना मेरे को आदत है कितना मेरे को कंट्रोल करना है वो प्रैक्टिस से आता है. गाइस, अब 3x पे आ जाते हैं. मैं क्लोज के रहने देती हूँ, मैं सिर्फ आपको दूर का स्प्रे दिखाती हूँ, ज़्यादा दूर नहीं, पहले 15 meters. ये है 3x. तो 4x के साथ गाइस आप देख रहे होंगे मेरी आदत है, मैं स्कोप इन करके पीक कर लेती हूँ राइट या लेफ्ट, ये मेरी आदत है स्प्रे के टाइम. एंड इससे थोड़ा हेल्प तो होता है, इट हेल्प्स थोड़ा आपको रिकॉइल कंट्रोल में. गाइस, सबको 6x स्प्रे बहुत पसंद है. एज फार एज आई नो सब लोग 3x में कन्वर्ट करके ही करते हैं. एंड ऐसा नहीं है कि फुल 6x आप कर नहीं सकते हो, जायरो की हेल्प से आप यूज़ कर सकते हो, बट यप यू विल नीड प्रैक्टिस. तो मैं आपको पहले एक बार बता देती हूँ कि सब लोग क्या करते हैं.
स्कोपिंग करके ये एडजस्ट को 6 to 3 कर देते हैं। कुछ लोग यहाँ मिड में भी रखते हैं, वो अपना सबका प्रेफरेंस है। और आप प्रैक्टिस करके फुल सिक्सेस भी कर सकते हो, बट ज़्यादा दूर स्प्रे करने का कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज आधे बुलेट्स लगेंगे बंदे को, आधे तो मिस हो जाएंगे, तो कोई पॉइंट नहीं है। अगर ज़्यादा दूर है अपना एनिमी तो आप टैप टैप फायर करो, बेस्ट है। तो गाइस अभी मैंने इसको कर लिया है कन्वर्ट 3x पे, तो आप स्प्रे देखिए। सो गाइस आप देख ही रहे 3x पे कन्वर्ट करके एकदम लेजर स्प्रे हो जाता है। सो गाइस एक जो मैं टिप बताने वाली थी वो ये है कि आपको अगर डिस्टेंस पे स्प्रे करना है, आप आदत डाल लो कि आप क्राउच करके स्प्रे करो। ट्रस्ट मी, उससे रिकॉइल कंट्रोल और एम में इतना हेल्प मिलता है ना। लाइक मेरी आदत है, मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैंने कन्वर्ट कर रखा है। लाइक एनिमी मैं यहाँ आ रही हूँ और मुझे दिखता है मैं राइट में एनिमी, तो मैं जल्दी से क्राउच करूँगी और ऐसे स्प्रे। एम सही रहता है और रिकॉइल तो कंट्रोल तो क्या ही बताऊँ। आपको क्या करना है, अपना क्रॉसर हमेशा आपको देखते रहना है। आपका क्रॉसर एनिमी पे पहले जाना चाहिए। लाइक जैसे मैं भाग रही हूँ, मेरे राइट में एनिमी है, तो मैंने क्रॉसर किया एंड सीधा स्कोपिंग। ये गाइस प्रैक्टिस से आएगा। क्रॉसर अपना आप मूव करते रहो थंब से। मैं थंब से इसको एम कर लेती हूँ एंड जैसे ही मेरे को मारना है बैठो एंड शूट। सो गाइस ये ज़रूर ट्राई करना ट्रेनिंग ग्राउंड में। बात रही अब फुल 6x की, ओके फुल था, मुझे लगा मैं 3x यूज़ कर रही हूँ। सो गाइस क्राउच और फिर उसके साथ पीक करते हो ना, तो आई नो थंब प्लेयर्स को तो थोड़ा मुश्किल होगा, बट प्रैक्टिस से आप इतना कर सकते हो। क्राउच करके स्कोपिंग एंड शूट, बस आपको थोड़ा एम अपना प्रैक्टिस करना होगा, ताकि बंदा जब तक आपको मारने लगे ना, उससे पहले आप स्कोपिंग करके उस पर स्प्रे दे दो अपना। एंड गाइस हाफ ग्रिप मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ बिकॉज जो ये रिकॉइल होता है ना, ये ऊपर जा रहा है, जो वर्टिकल रिकॉइल होता है उसके साथ जो गन राइट लेफ्ट होती है ना, वो उसको भी कंट्रोल करता है। प्रैक्टिस से हो जाएगा, हॉरिजेंटल के साथ साथ वर्टिकल रिकॉइल भी कंट्रोल हो जाएगा। गायरो के साथ आपको ज़रूरत ही नहीं है, कोई भी स्कोप हो, आपकी बस सेंसिटिविटी सही होनी चाहिए अकॉर्डिंगली और आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप कोई भी स्कोप लगा दो, आपका स्प्रे हमेशा 2 points जाएगा। प्रैक्टिस करो ट्रेनिंग ग्राउंड में। एंड गाइस ये तो चलो मैंने आपको M4 पे सारे स्प्रेज करके दिखाए। M4 पे थोड़ा ईजी रहता है और जायरोस्कोप के साथ तो ऑनेस्टली एफर्टलेस लगता है। तो मैं अब आपको बैरल पे ट्राई करके दिखाती हूँ। बैरल और AKM उठा लेती हूँ मैं। सो गाइस यहाँ पे आ जाओ, अपना 3x लगा लिया, वर्टिकल कॉम एंड स्प्रे। सो एक बार हाफ ग्रिप ट्राई करते हैं, क्राउच करके करें तो बेटर है, काफ़ी दूर हो गया। जायरो से आप इतना राइट लेफ्ट कंट्रोल कर पाओगे। गाइस दूर के लिए तो देखो हाफ ग्रिप ही बेस्ट है, जो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल रिकॉइल है दोनों में काफ़ी हेल्प कर रहा है। एंड अगर थोड़ा भी क्लोज है तो वर्टिकल पे यूज़ करो, बेस्ट है। एंड बात करते हैं हम 4x की। सो गाइस 60 meters तो लाइक काफ़ी स्टेबल स्प्रे हो रहा है मुझसे, बट उससे दूर पोटैटो है, इतना नहीं है, बट हाँ पोटैटो है। एंड गाइस अब बेस्ट जो रहेगा 6x को कन्वर्ट कर लो। सो गाइस मैं कह ही रही हूँ ये तो है बेस्ट। आप मस्त अपना 6x को 3x बना के इस बैरल से भी आप स्प्रे कर सकते हो, बहुत ही सही स्प्रे रहता है। चलो गाइस अब AKM भी ट्राई कर लेते हैं, उस पर तो मैंने कभी स्कोप्स ट्राई नहीं किए AKM आयरन से देखी। AKM ईजी कंट्रोल हो रही है कंपेयर टू बैरल, और कॉम्पनसेटर लगा देते हैं अब तो और फिर ईजी होगा। नाउ लेट्स ट्राई AKM 4x।
now 66 ऊपर मैंने कर दिया convert 66 to 3x yep इसको आप चला सकते हो and guys gyro के benefits आपने recoil control में तो देख ही लिए तो आपका spray तो उससे बहुत अच्छा हो ही जाएगा बाकी अगर आप practice कर लोगे ना इतना कि gyro की आपको आदत हो जाए तो उसके close range में भी बहुत सारे benefits हैं आपको स्प्रे ट्रांसफर में हेल्प मिलेगी आप एक स्प्रे में सारे टारगेट्स गिराने का ट्राई करोगे यहाँ पर आप प्रैक्टिस करोगे उससे आपको आदत हो जाएगी स्प्रे ट्रांसफर कंट्रोल करने की और एक आजकल आपने देखा ही होगा कि सबको प्रोन एंड शूट तो आ ही गए आप क्लोज रेंज में जाओ और बंदा आपके मुंह पर आके लेट जाता है तो उसमें एक हेल्प रहती है जैसे कि यहाँ पर है ये बंदा है और ये यहाँ लेट गए तो आप मारते मारते बस फोन प्रिंट कर दो कितना जल्दी करोगे वो है कि वो आपको मारे उससे पहले आपको उस पर नीचे एम कर देना अपना सो ये भी एक एडवांटेज है जायरोस्कोप का आप एम जल्दी से राइट लेफ्ट ऊपर नीचे इतना तो कर सकते हो एंड गाइज एक जो प्रॉब्लम है जो सब लोग बोलते हैं कि जायरो यूज़ करने के बाद उनसे स्नाइपिंग नहीं होती है अगर आप जायरो जस्ट स्टार्ट कर रहे हो और आपको अपनी स्नाइपिंग पर उसका इम्पैक्ट नहीं आने देना है तो स्टार्टिंग में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपकी जो 8x की सेंसिटिविटी है ना उसको एक बार के लिए आप एकदम लो कर लो आप ऐसे स्टार्ट करो लो सेंसी कर दो अपने जायरोस्कोप की एंड फिर प्रैक्टिस करो यहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड में आके जो भी आपको दूर टारगेट दिखे कुछ भी इमेजिन कर लो जैसे मैंने वो जो टावर है वहाँ पर इमेजिन कर लिया कि उसके पिलर के राइट में मुझे मारना है तो मैंने वहाँ स्कोपिंग किया एंड मार दिया तो ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे ट्रेनिंग ग्राउंड में तो आपको आदत हो जाएगी स्कोपिंग करो बट ट्राई करो कि आप हेडशॉट दो जल्दी के चक्कर में अगर आप ऐसे करोगे कि स्कोपिंग किया और ऐसे मार लिया तो जल्दी के चक्कर में अगर आप बॉडी शॉट दे रहे हो तो कुछ फ़ायदा नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए एम करो सिर्फ हेड पे चाहे आपको कितना भी टाइम लगे ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना रेगुलरली तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी फिर धीरे धीरे आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी एम करने की फिर आप बाद में लाइक जल्दी एम कर पाओगे और इसकी भी एक टिप ये दूंगी मैं कि आप क्रॉस हेयर से पहले एम करो क्रॉस हेयर ही पूरा आपको हेल्प करता है जो मैं थंब से एम करने को यूज़ करती हूँ ना थंब मैं क्रॉस हेयर को एम करने के लिए यूज़ करती हूँ क्रॉस हेयर से आप अपना एम मूव करते रहो फिर वहाँ पर एम रखो इसी से होता है लाइक आप जल्दी ऐसे ही मार पाओगे अगर आप क्रॉस हेयर से एम करोगे जैसे वो जो दूर टारगेट है ना बीच में मैं वहाँ मारती हूँ मैंने वहाँ पर ऐसे क्रॉस हेयर से एम किया बॉल पे आ गई थी तो लेफ्ट जाके लेफ्ट पीक कर लिया उससे भी आगे वाले को मारा तो वहाँ पर है थोड़ा सा जायरो का लाइक बहुत कम यूज़ है आपको अपनी जायरो सेंसी 8x के लिए इतनी रखनी है कि अगर कोई बंदा दूर है तो उसको एम करने में ना आपका 8x स्टेबल रहे जायरोस्कोप की आदत डालते हुए प्रैक्टिस करनी है कि आपका फ़ोन स्टेबल रहे सो आपको बस ट्राई करना है ऐसा आपके लिए कम्फर्टेबल पोजिशन रहे कि आप उसमें अपना फ़ोन को स्टेबल रख पाओ तो आपका जायरो भी स्टेबल रहेगा और आप अच्छे से अपना रिकॉइल कंट्रोल कर पाओगे सो गाइज इतना ही था आज के लिए आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे और भी ऐसे कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए हो किसी भी चीज़ को लेके गेम में तो बिल्कुल कमेंट करिएगा और इस वीडियो पे भी आपका क्या ओपिनियन है मैंने कितने पॉइंट्स कवर किए कितना इससे आपको हेल्प मिला वो सब मुझे ज़रूर बताइएगा कि उससे मैं भी अपना इम्प्रूव कर पाऊँ बिकॉज ऐसे वीडियोस मुझे बनाने आते नहीं हैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ सो यस थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज अब मैं निकलती हूँ यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाय गाइज टेक केयर Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame.